तो रोज रोज जो है बहुरूपिया की तरह रंग नहीं बदलेंगे, हम वहीं से लड़ेंगे। और देखे हो कि बबलू जी को अपने हमने नामांकन मेरा जब रद्द हुआ, अभी भी साजिश चला, आप लोग ही चलाए थे, सब टीवी पर चला था, नामांकन रद्द करने के लिए तरह तरह का साजिश किया गया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी सेंट्रल में, आने जाने पर पाबंदी लगा दिया गया था, तभी नौजवान साथियों को हमने हमलेट बांटने का काम किया। गर्मी के दिन में यहाँ पानी का किल्लत था, टैंकर से पानी भर भर करके मैंने सभी वार्डों में पंचायत में पहुंचाने का काम किया। मैंने तो कहा है कि सुभाष यादव को कुछ नहीं चाहिए, एक साधु संत का जिस तरह से रहन सहन और व्यवहार विचार होता है, उस तरह से सुभाष यादव का रहन सहन है। मैं तो एक जो आम लोग रहता है, आम लोग और खास लोग में कोई अंतर नहीं। तो राष्ट्रीय जनता दल ही सामाजिक न्याय धर्म व्यवस्था समता मूलक समाज की स्थापना की बात करता है, चिन्ह लेकर के कि यही मेरा सुभाष यादव है, यही मेरा बेटा भी है, मेरा बेटी भी है, मेरे घर की बहू है, लेकर के उसको कहा लोग कि केवल आप घूम जाइए, बाकी हम लोग आपके साथ हैं। आप चू नहीं बोल सकते हैं, जिस तरह से यह देश गुलाम था, मखनलाल चतुर्वेदी लिखे हैं कि जब कोयल की रात की आवाज कूक करती थी तो कहती थी कोयल तुम हमसे बनिया हो, इसलिए कि तुम्हारे को कूक करने की स्वतंत्रता है लेकिन मुझे कूक करने की स्वतंत्रता नहीं है। और हमको साजिश के तहत कि किसी तरह से चुनाव नहीं लड़े, जेल में भेजा गया पहले ही। नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें, झारखंड का रण जो है अब पूरी तरह से सच चुका है, और झारखंड के रण में इस वक्त कई ऐसे दिग्गज जो है वो मैदान में है, और कई ऐसी सीटें जो है इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। उसमें से एक सीट है कोडरमा सीट, जो कि कोडरमा विधानसभा सीट है, जो कि काफी हॉट सीट बनी हुई है। और सुभाष प्रसाद यादव जी जो कि यहां से आरजेडी के प्रत्याशी भी है, और कहा जा रहा है चूंकि एक अच्छा नाम है, एक अच्छा फेम है, तो ऐसे में एक हॉट सीट के रूप में भी कोडरमा को भी देखा जा रहा है। हमारे साथ सुभाष प्रसाद यादव जी मौजूद है। सुभाष प्रसाद यादव जी, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। आपको भी धन्यवाद। सुभाष प्रसाद यादव जी, किस तरह से देख रहे हैं आप कोडरमा विधानसभा क्षेत्र को, किस तरह से देख रहे हैं आप, तो पब्लिक के बीच में भी जा रहे हैं, और क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव 2019 और 2024 में क्या अंतर होने वाला है इस बार? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां रात के 3 बजे आया हूं, और नामांकन करने के बाद में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने जनता मालिकों को कोडरमा के, कि सब लोग यहां पे किसी जाति बिरादरी का हो स्वयं चुनाव लड़ने लगे, और हमको साजिश के तहत कि किसी तरह से चुनाव नहीं लड़े, जेल में भेजा गया पहले ही। न्यायालय के आदेश से हम यहाँ नामांकन किए, उसके बावजूद भी लोकतंत्र में ह्यूमन राइट है, संवैधानिक राइट है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है जब तक ले सजायाफ्ता नहीं हो, लेकिन मुझ पर एक भी मुकदमा नहीं, ये सत्वा अचरज है और हम जेल में हैं। जब न्यायालय में हमने किया तो पटना माननीय न्यायालय से हमको वहाँ न्याय नहीं मिला, वहाँ मेरा रिजेक्ट हो गया, हमने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा को ठुकराया, और हमको 7 तारीख के ही वहाँ से न्याय मिला, और हमको छोड़ा गया 9 तारीख को, 4 बजे 5 बजे छोड़ा गया, 5 बजे छोड़ा गया। हमने जो मिलने जाते थे जेल में, यहाँ के लोग किसी तरह से मिलने जाते थे, बताते थे, टीवी की सुविधा है वहाँ, टीवी पर देखते थे अपने जो दुदमुहे बच्चे बच्चियाँ हमारे जो थे, सभी लोग कोडरमा के जनता अपना बेटी अपना बेटा समझ करके, अपना बहू समझ करके जनता मालिकों से मिलवाने का काम किया, इसलिए कि हमारे सामाजिक न्याय के जो धरोहर है आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, वो हमेशा कहा करते हैं कि जनता मालिक होती है और जनता के दरवाजा पर नतमस्तक और दस्तक देना जाना पड़ेगा,
तो उसके तहत मैं भी जब बाहर था तो सतगावा में से हमने शुरू किया था पैर पूजाई यात्रा, और विभिन्न प्रखंडों में हमने पैर पूजाई किया, गढ़वा में भी पैर पूजाई किया। इस तरह से कार्यक्रम हमको पूरे झारखंड प्रदेश में करना था लेकिन नहीं कर पाए। तो प्यार मोहब्बत इतना जो कोडरमा दिया, और लालू जी का भी कोडरमा जो है बहुत प्रिय क्षेत्र रहा है, लालू जी ने ही इसको जिला बनाए थे, और जो भगवान बिरसा मुंडा को उन्होंने भगवान की उपाधि लालू जी ही दिए थे, तिलका मांझी विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया था, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय लालू जी के ही रीजन में बना था। और जब कोरोना काल था लोग अपने घर से नहीं निकल रहे थे, और हम पूरे झारखंड प्रदेश में मुट्ठी भर अनाज लेकर के दौड़ रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के नीति और सिद्धांत में विश्वास करने वाले लोगों को कि सब लोग मिल करके दरवाजे 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 कि हमारा जनता मालिक को किसी तरह का समस्या नहीं हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी सेंट्रल में, आने जाने पर पाबंदी लगा दिया गया था, बिहार में लोगों को एंट्री नहीं होता था, झारखंड प्रदेश के बहुत से नौजवान जो साथी थे बाहर में बॉम्बे में दिल्ली में कलकत्ता में जहाँ तहाँ मुझे फोन करता था लोग, और हमने 1000 रुपया 500 रुपया 2000 रुपया उन लोगों को खाने के लिए। उसके बाद में कोरोना काल जब खत्म हुआ तो एक आपको मिसाल के रूप में दे रहे हैं कि कोडरमा क्षेत्र को फलदार वृक्ष में पूरे झारखंड प्रदेश में अव्वल हो गया। 7000 हम आम का यहाँ पेड़ लगाए। कीर्ति जस जीवती, जो करेंगे वही आपको याद करेगा लोग। और वह फॉर्मेलिटी नहीं किए हमने, 3 साल 4 साल का पेड़ लगाए, जो अगला बार अभी फरवरी में वो मजर देगा और अप्रैल में मई में लोग आम खाएगा। उसके बाद में आए दिन जो देखते थे कि मैंने घटनाएं घटती थी, लोग लापरवाह बच्चे जो है नौजवान बच्चे जहाँ तहाँ एक्सीडेंट कर जाते थे, तो मरमाहत हुए हम। और उसके तहत मैंने अपना चंदा चुकरी कर करके सभी नौजवान साथियों को हमने हमलेट बांटने का काम किया। गर्मी के दिन में यहाँ पानी का किल्लत था, टैंकर से पानी भर भर करके मैंने सभी वार्डों में पंचायत में पहुँचाने का काम किया, आप लोग भी जानते हैं। उसके बाद में किसी तरह का पर्व त्योहार हो जा करके जनता मालिकों से मिलने का हमने काम किया। और कोडरमा की ज्वलन जो समस्या है, यहाँ का रोजी रोजगार प्राय मृत प्राय हो गया है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताजी लोग आकर कहते थे कि कोडरमा में अबरक की चमक से तिलैया और झुमरी जाना जाता है, लेकिन पूरे दुनिया को चमक दे दिया कोडरमा, लेकिन कोडरमा वहीं का वहीं रह गया। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजी रोजगार के क्षेत्र में हो, या बेरोजगारी का क्षेत्र में हो, तो हमने यहाँ कि लोग जब हम चतरा के चुनाव लड़े तो यहाँ के जनता मालिकों ने मुझे जाकर के कहा कि नहीं, मेरा काम जो था कि नहीं आपको कोडरमा में विधानसभा लड़ना है। हमने काफी समझाया बुझाया कि नहीं, वहीं के लोग लड़िए। और मुझे और जगह से भी ऑफर मिला, लेकिन कहा कि नहीं, सुभाष यादव जब एक बार बोल दिया तो रोज रोज जो है बहुरूपिया की तरह रंग नहीं बदलेंगे, हम वहीं से लड़ेंगे। और देखे हो कि बबलू जी को अब हमने नामांकन मेरा जब रद्द हुआ, अभी भी साजिश चला, आप लोग ही चलाए थे, सब टीवी पर चला था, नामांकन रद्द करने के लिए तरह तरह का साजिश किया गया। एक सवाल है सर कि आखिर ये जो बातें निकल रही थी कि मतलब नामांकन रद्द हो गया, अब सुभाष प्रसाद यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या था सर ये सब? कोडरमा की जनता एकदम अस्वस्थ थी और हम भी अस्वस्थ थे कि संवैधानिक राइट है लोगों को, जेल से कूद करके भी आप आ जाएंगे, नामांकन कर देंगे तो वैलिड हो जाएगा, ऐसे तो संवैधानिक राइट है चुनाव लड़ने का सभी लोगों को जब तक सजा याफ्ता नहीं हो।
और मुझे न्यायालय से जरूर न्याय मिलेगा। और जनता मालिक कोडरमा के लोग समझ रहा है कि मैंने महिला होते हुए भी बच्ची थी, वाइफ थी, बच्चे थे, सब पढ़ने लिखने वाले, उसको कोडरमा की जनता एक निमित्त मात्र चिन्ह लेकर के कि यही मेरा सुभाष यादव है, यही मेरा बेटा भी है, मेरा बेटी भी है, मेरी घर की बहू है, लेकर के उसको कहा लोग कि केवल आप घूम जाइए, बाकी हम लोग आपके साथ हैं। तो कोडरमा के लिए हमको कुछ भी विकास के लिए करना होगा। हमने तो कहा है कि सुभाष यादव को कुछ नहीं चाहिए, एक साधु संत का जिस तरह से रहन सहन और व्यवहार विचार होता है उस तरह से सुभाष यादव का रहन सहन है। मैं तो एक जो आम लोग रहता है, आम लोग और खास लोग में कोई अंतर नहीं। तो हम यही कहें कि जो करके जाएगा कीर्ति जस जीवती। तो एक चीज और भी है सुभाष यादव, क्या समझा जाए कि जब आप चुनाव मैदान में उतरे तो एक डर का माहौल भी हो गया विपक्षी पार्टी में यहाँ के कि नहीं सुभाष यादव जी, तो क्या आपको लग रहा है कि एक षड्यंत्र के तहत आपके साथ ये सब किया गया? तो साजी से अब देख रहे हैं कि जो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, जो आदिवासी समाज से आते हैं, उन्होंने झारखंड में जितने माताएं बने थी जो 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक ले, उसको 1000 रुपया मैया योजना के तहत फूलेबाई सावित्री, बिजली फ्री, उसके बाद में जो पहले का जो बकाया है वो माफ, आंगनबाड़ी सहायिका, विभिन्न क्षेत्रों में जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उनको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया डिमोरलाइज करने के लिए। तो जनता सब समझ रही है लोकतंत्र के साथ यह चुनाव जो है पूरे झारखंड में गरीब गुरबों सभी जाति बिरादरियों के लिए, यदि संविधान बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और प्रजातंत्र को बचाना है। आप देखे होंगे कि जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर में जब संविधान धधक रही थी, सभी जाति बिरादरी के लोग वोट मांगने जाते हैं कि हम आपका मौसा हैं, मौसी हैं, आपका रिलेशन में है, कुटुंब में है, हमको वोट दीजिए, लेकिन बाबा साहब जो धरोहर के रूप में जो दिए थे जो सबों के लिए है, तो गाल पर लोग अंगुली धर के मुस्कुरा रहा था। तो राष्ट्रीय जनता दल ही सामाजिक न्याय, धर्म व्यवस्था, समता मूलक समाज की स्थापना की बात करता है और राष्ट्रीय जनता दल जोड़ने की बात करता है और भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का बात करता है, राम रहीम में नफरत फैलाने की बात करता है। और बताइए, जनता तो पूछ रही, हिसाब मांग रही है कि आपने जो जुमला दिया था कि 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, अभी देखेंगे यूट्यूब और टीवी में चल रहा है ठगो योजना, कम गोगो योजना, गोगो दीदी योजना, हाँ गोगो दीदी योजना। तो जनता पूछ रही है कि आपने जो पहले संकल्प लिया था, हमने तो हमेशा कहा करते हैं कि बताइए कि जो गैस सिलेंडर ये लोग बांटा, गैस सिलेंडर बांटा तो हमने कहा कि सब्सिडी मेरा कहा हुआ भाई, उसी सब्सिडी से गैस सिलेंडर हुआ, और गैस सिलेंडर का 500 से बढ़ा करके 1200 रुपया कर दिया, सब लोग उस पर चिपरी और बोरा रख रहा है। जनता गैस सिलेंडर पर खाना बनाना भूल गया। उसके बाद में इनका आइडियल विलेज, सब एमपी जो है कि गांव को गोद लिया था लोग, जहां पर शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सारी सुविधाओं से लैस हो, उसको आदर्श ग्राम कहते हैं। लेकिन बहनी भी नहीं हुआ, 40 से झारखंड में भी और कुछ जिला को लोग मतलब कि लिया था लोग कि मॉडर्न जिला बनाएंगे, वहाँ के भी हालत देख रहे हैं। तो केवल जुमलाबाजी है, भारतीय जनता पार्टी झूठ साँच की खेती करती है, जनता समझ गई है। अब इनको सबक सिखाएगी है चुनाव में, और जितने जो एजेंसियाँ इनका है सब इनकी कठपुतली बन गया है लोग। जनता डरने वाली नहीं है, जो जहाँ है अपना काम कर रहा है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से संगठन की और महागठबंधन के सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि मुझे कम समय मिला है, सब लोग सुभाष यादव बन करके, लालू यादव बन करके, तेजस्वी जी बन करके, हेमंत सोरेन बन करके, मैडम सोनिया गांधी बन करके, राहुल गांधी बन करके, दीपांकर भट्टाचार्य बन करके,
सब लोग इस चुनाव नहीं चुनौती है, नहीं तो आने वाला दिन यहाँ पर स्वतंत्रता के व्यक्ति पे पाबंदी लगाया जा रहा है। आप चू नहीं बोल सकते हैं। जिस तरह से यह देश गुलाम था, मखनलाल चतुर्वेदी लिखे हैं कि जब कोयल की रात की आवाज कूक करती थी तो कहती थी कोयल तुम हमसे बनिया हो, इसलिए कि तुम्हारे को कूक करने की स्वतंत्रता है लेकिन मुझे कूक करने की स्वतंत्रता नहीं है। तो स्वतंत्रता के अधिकार को छीना जा रहा है और बोलने पर पाबंदी लगाया जा रहा है, जो प्रजातंत्र के लिए और आने वाले दिनों के लिए बहुत खतरनाक होगा। और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब भी कहे थे कि आपको एक सब समाज का निर्माण करना है तो एकत्रित हो, शिक्षित बनो और संगठित हो। सब लोग संगठित हो गया है और यह चुनाव को लोग यह समर में चुनौती के रूप में लिया है, इसलिए आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विदाई है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है, यहाँ पर घुसपैठ का मामला लेकर आ रही है यहाँ पर जो विपक्षी पार्टी, यहाँ की घुसपैठ और रोजगार का मामला लेकर आ रही है विपक्षी पार्टी की, रोजगार नहीं मिला है, बेरोजगारी भत्ते का बात कर रही है यहाँ की जो विपक्षी पार्टी, इसको किस तरह से देखते हैं? अच्छा ये बताइए कि जो प्रश्न आपने पूछा कितना हास्यास्पद है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहे थे कि बम बारूद कहाँ से आया, जो विस्फोट हुआ था तो सरकार किनकी थी? तो बाकी हम पूछ रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आपकी सरकार थी तो आप क्या कर रहे थे? राज्यपाल का जी, माननीय राज्यपाल जी का महोदय का जो बयान आया था तो सब साजिश था। और अभी जो घुसपैठ हो रहा है तो सेंट्रल में किसका सरकार है, इसका देखना किसको काम है? घुसपैठ हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं भाई? ये घुसपैठ रोकना आपके ना काम है। और बेरोजगारी जो 2 करोड़ नौकरी दिए थे उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ? तो हमारे जो आर्थिक न्याय के प्रणेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने कहा कि जब हम बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला कैबिनेट में मेरे हस्ताक्षर से 10 लाख नौकरी नौजवानों को हम देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बने, उप मुख्यमंत्री बने जिनका कार्यकाल 17 महीना का रहा। और 17 महीना में उन्होंने सारे नौकरी दिया जिसमें 12,000 झारखंड प्रदेश के बच्चे बच्चियों की नौकरी लगा है। सतगावा प्रखंड है कोडरमा विधानसभा के अंतर्गत, वहाँ पे 400 नौकरी लगा है टीचर में। तो यहाँ भी राष्ट्रीय जनता दल का अपना मैनिफेस्टो में है कि यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी तो यहाँ भी हम लोग पहला कैबिनेट में 5 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने। तो ये थे हमारे साथ सुभाष प्रसाद यादव जी। आपको बता दें बेबाक तरीके से इन्होंने अपने ही अंदाज में सभी सवालों का बेबाक तरीके से जवाब दिया। कैमरामैन राजबल्लभ के साथ मैं मनीष कुमार वर्मा, कोडरमा। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार। सेवा में है वास्तु विहार।